क्वेश्चन देखिए, वन का बी नंबर, त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री का है और ए बी 7 सेंटीमीटर है। तो बी 90 डिग्री का है और ए बी 7 सेंटीमीटर है, ये आपका बी हो जाएगा। ये ए देते हैं और ये सी देते हैं, ठीक है। ये आपका 7 सेंटीमीटर है और फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि ए सी में से बी सी घटाने पर ए सी माइनस बी सी जो है वह कितना है, 1 है। तो यहाँ से बताओ तो ए सी बराबर में 1 प्लस बी सी हो जाएगा ना, 1 प्लस बी सी, ए सी बराबर में 1 प्लस बी सी हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस लिख सकते हैं प्रमेय से, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, ए बी यानी 7 का स्क्वायर, बी सी, बी सी स्क्वायर ही रहने दो और ए सी की जगह पे 1 प्लस बी सी लिख दो। चलिए 7 का स्क्वायर 49, इधर बी सी स्क्वायर, इसको इस तरफ में हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 2 बी सी, 1 प्लस 2 बी सी और प्लस में बी सी स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा। अच्छा, एक आके इसमें घटेगा तो 48 हो जाएगा, बी टू बी सी बराबर, यानी कि यहाँ से बी सी बराबर में आ जाएगा, बी सी बराबर में आ जाएगा 48 बट्टा में 2, ठीक है, 48 बट्टा में 2 यानी कि 24, 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो 24 सेंटीमीटर आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, तो ए सी भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस बी सी था ना, यानी कि 1 प्लस 24 25 सेंटीमीटर, तो यह वाला 25 सेंटीमीटर हो गया और यह वाला 24 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकले हैं, निकालते हैं उसे। चलिए पहले में कह रहा है साइन सी, साइन सी, तो यह एंगल लेंगे तो लंब होगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, 7/25। दूसरा कॉस सी, कॉस सी आधार यानी बी सी और बट्टा में कर्ण ए सी, 24/25। तीसरा क्या है, टेन ए प्लस में कॉट ए, सॉरी सेक ए, सेक ए, ठीक है, सेक ए, तो टेन ए की बात करें, ये कोण लेंगे तो लंब हो जाएगा बी सी, आधार होगा ए बी, सेक ए लेंगे यहां तो कर्ण और बटा में आधार, तो 24/7 और प्लस में 25/7, दोनों को एलसीएम लेके जोड़ देते हैं, 7 ऊपर जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो 24 प्लस में 25 यानी कि 49/7 कट के 7 आ जाएगा, 49/7 कट के यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 आंसर हो गया इसका, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। चलिए अगला